बाप। क्यों बेटा? पापा, ये स्टूल सरकार लेगा कि मैं लात मार दूं इसको? अरे तो पापा, मैं जिंदगी से कितना परेशान हो गया हूँ, तुमको क्या बताऊं मम्मी? अरे मेरा बाप राम जादे हाँसी लगा रहा है। हाँसी? ये पेपर में पढ़ लिया कि मतलब कोई उपाय नहीं, फांसी लगाओ तो फांसी लगा लो। पुस्तक तू रोज पढ़ रहा है, तू पास तो कभी हुआ नहीं तू जिंदगी में? हमने कभी दुख मनाया उस बात का? अरे पापा, मैं तो जिंदगी से कितना परेशान हो गया हूँ मैं। अरे जीवन है ये, सब होता रहता है। जीवन का नाम ही कभी सुख है तो कभी दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि सुख में तो जिंदगी जी ली और दुख में फांसी लगा ली। अरे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते, सबकी जिंदगी में आते। लगा वहां पे, और तेरे वजन से मेरा पंखा जो टूट जाएगा इसका पैसा तेरा बाप भरेगा? वहां पे उठपट। और तेरे दिमाग में ये ख्याल आया क्यों? तूने तो बेटा ना कोई बहुत बड़ा नाम करा है, ना कोई तो जिंदगी बहुत हाइट पे चले गया, ना तेरी नौकरी है, मतलब घर में बैठ के खाने में भी तुमको शर्म आ रही है, मतलब तुम मरना चाहते हो। अबे 30 साल का लड़का ऐसी नहीं बनाया, कलेजा फाड़ के खून पसीने की मेहनत से सींचा फसल है तू मेरी, और आज जब मेरी फसल खड़ी हो गई तो तू उसको आग लगा रहा है तू? तेरी जिंदगी पे पहले तेरे बाप का अधिकार है, फिर तेरी माँ, पूरे परिवार का, फिर दोस्तों का, उन सभी का जिनसे तूने यहाँ रिश्ते बनाए ना इस जीवन में, तेरे गुरु दोस्त सभी लोग। उठपटांग ख्याल आए तो मरने चले वहां पे, पहले ऐसे ख्याल दिमाग में लाओ मत है, और जरा ये सोचो है, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। अरे हर बाप का सपना होता है कि अपने बेटे के कंधे पे वो शमशान घाट जाए। अब तू 60 साल में हमको ये दिन दिखा कि हम तेरी बाड़ी लेके वहां जाए। अरे 18 दिन तक तो तेरी माँ को यकीन नहीं होगा कि तू मर गया। हाँ बे, जीवन को समझो, क्या करना है कैसे करना है, उतार चढ़ाव आए हैं, निपटेंगे, खत्म होंगे। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो गुजर जाता है बेटा, मालूम? तो जरा दिमाग लगा और ये से हरामजादे हरकतें मत करा कर, समझा? ऐसा थगड़ा दूंगा ना बेटा कि फांसी से तो तू 10 मिनट बाद मरेगा, झापड़ से 1 मिनट पहले मर जाएगा तू, मालूम? और इधर आ जरा मेरे पास। पापा राम जी, मर रहा हूँ। हाँ बे, तुम मर रहा हूँ, उनको मार रहा हूँ क्या? समझ गया पापा, मैं आपकी सारी बात समझ गया मैं। अरे अभी छोटी सी गलती मेरी जान ले लेती है, और गलती भी मेरी थी। और अब बाप रे बाप रे बाप रे, अब समझ में आ गई विनाश काले विपरीत बुद्धि है। चल पोछा लगा के मरेगा तू जीवन भर, समझा क्या? और तुम भी सुनो, इधर आओ पास, इतनी दूर नहीं आऊंगा, शरम आ रही तुमको है? ये इतनी तुमको ऐसी जीवन में कौन सी परेशानियां आ गई जो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि खत्म ही नहीं होगी?
हर समस्या का निराकरण होता है, जीवन बहुत बड़ा है, पहले इसको तो समझो। अरे आज सुख दुख तो चलते रहते जीवन में, कर्जा लिया है आज नहीं तो कल चुकता हो जाएगा, काम नहीं हुआ आज नहीं तो कल हो जाएगा, है दो व्यक्ति रोटी और यही सब लगता है ना आदमी को। अरे सारी व्यवस्था होती है, पर ये जो मर के तुम ये फंदा लगा के नदी में कूद के कुएं में निकल के ये जो हरकतें कर रहे हो ना तुम, ये तुम्हारे जाने के बाद ना तुम्हारे घर का एक राउंड मार लेना, कभी तो पता लग जाएगा माँ बाप है तुम्हारे दादा पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे बिलक बिलक के रोते हैं, उनको उनको कौन संभालेगा है। और तुम काय मर क्यों रहे हो मेरे को तो समझ में नहीं आता। और अब मेरे को एक भी खबर मिल गई, तू भी सुन ले रहे हरामजादे, एक भी खबर मिल गई ना मेरे को कि फांसी लगा कि नदी में कूद के कोई मरा, तो बेटा मेरे से बुरा कोई होगा ही नहीं, वैसे मेरे से बुरा कोई है भी नहीं, पर फिर भी समझा दे रहा हूँ, मरना मत।